अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टोरेट में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सामूहिक स्वच्छता करके गांधी जयंती के पूर्व स्वच्छांजलि दी। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा झाड़ू लगाकर श्रमदान कर स्वच्छता कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी निभाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य कूड़ा करकट वाले संवेदनशील क्षेत्रों और अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर साफ सफाई करके अपने गांव, शहर और कार्यालय को स्वच्छ, सुंदर, स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण प्रदान करना है। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन पर शहर निकाय, ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक वार्ड स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में व्यापक जन भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कलेक्टोरेट मेरा घर भी है और पब्लिक में आने का प्रमुख स्थान भी है। यहां पर हुई व्यापक साफ सफाई का कार्य प्रभाव रूप से पूरे जनपद पर पड़ना स्वाभाविक है। इसी नजरिए से कलेक्टोरेट से एक घंटा श्रमदान कार्य का शुभारंभ किया गया। आह्वान पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत वार्ड में स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें एक घंटे के लिए सभी जन भागीदारी के साथ सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। बेहतर हो कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत अपने घर से करें। कलेक्ट्रेट मेरा घर भी है और कलेक्ट्रेट सभी पब्लिक के आने का एक सबसे प्रमुख स्थान है। पूरे जनपद की लोग यहां पर आते हैं, तो यहां के जो ओपन स्पेसेस हैं उनको अगर हम क्लीन रखेंगे, साफ करेंगे, तो उसका प्रभाव संपूर्ण जनपद में पड़ेगा। उस नज़रिए से आज कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी कलेक्ट्रेट के सामान्य परिसर को, कलेक्ट्रेट अंदर से तो बहुत साफ है, रेगुलर हम लोग सफाई करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक जगह हैं, सड़क, फुटपाथ, पार्क, इनकी सफाई का एक विशेष अभियान आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहां पर उठाया है, जिसके क्रम में सफाई का कार्य किया जा रहा है। सर, मोदी सरकार द्वारा जब से बनी है उसके बाद स्वच्छता मिशन चलाया गया है, उसका इम्पैक्ट अब तक हमारे अलीगढ़ में क्या देखने को मिला? देखिए, स्वच्छता लोगों की अब जीवनचर्या में शामिल हो रही है। आप देखोगे कि पहले की तुलना में अब स्वच्छता बेहतर हो गई और उत्तर प्रदेश के सभी गांव ODF हो गए हैं, तो ODF प्लस प्लस की श्रेणी में अब जाने की कतार पे हम लोग। अब केवल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी हम लोग जा रहे हैं, और हमारा अलीगढ़ तो इसमें मानक है, क्योंकि 75 पंचायतों में से 5 पंचायतें केवल और केवल अलीगढ़ की चुनी गई हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे शहर में इसको लेकर पर्याप्त जागरूकता है। एक जो कमी है अभी भी लोगों में, वो प्लास्टिक का मुंह न छोड़ पाने की है, तो इसको लेकर भी हम लोग लगातार रैलियां करते रहते हैं, जन जागरूकता फैलाते रहते हैं, और अगर हम लोग खुद अपने से प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोकेंगे तो फिर प्लास्टिक लंबे समय तक पर्यावरण को क्षति पहुँचाने में उसको रोक पाना मुश्किल होगा। इसलिए मेरी अपील है लोगों से कि प्लास्टिक के उपयोग को जरूर वो प्रतिबंधित करें, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती कल हम मनाने जा रहे हैं, तो केवल इसलिए नहीं कि कल 2 अक्टूबर है, हम इस कार्य को करें। हम अपने घर, अपने घर के आसपास के परिवेश को, सार्वजनिक जगहों को, जो हमारा कार्यस्थल है, वहाँ पर रोज़ की जिम्मेदारी से समझें, और रोज़ थोड़ी देर काम करेंगे अगर ऐसे, तो ये चीज़ें साफ रहेंगी, सार्वजनिक स्थल हमारे चमकते हुए रहेंगे, और लोगों में फिर अंदर से अपने आप चेतना आ जाएगी। साफ जगह को कोई गंदा नहीं करता, गंदी जगह को सभी लोग गंदा करते हैं। तो इस नज़रिए से अगर आप देखिए कि साफ सुथरी कोई चीज़ है, तो आप भी उसे गंदा नहीं करना चाहोगे, तो उसको मेंटेन करना फिर भविष्य के लिए आसान हो जाता है।